जींद में जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन उमेश सिंह रेढ़ू ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि भविष्य में वो अपने लोगों के सामाजिक तौर पर सेवा करेंगे। पार्टी में रहकर महसूस किया कि सत्ता में रहते हुए भी लोगों की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार जी, ऐसा है, मैं जेजेपी में लड़ा था, पहले मैंने उपचुनाव लड़ा था इनेलो से, उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन था जिला परिषद का, और जिला परिषद का वाइस चेयरमैन है तो मैंने बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों ने काम किए। तो उसके बाद मेरे साथी मेरे मित्र कहने लगे भाई सत्ता में लोगों का भला ज़्यादा हो सकता है, लोगों से ज़्यादा काम हो सकते हैं, तो मैं जेजेपी में आ गया। जेजेपी में आने के बाद मैंने भी यही सोचा था भाई सत्ता में रहेंगे तो काम होंगे, लोगों के भले होंगे, और मैं सामाजिक आदमी हूँ। और उसके बाद सत्ता में आने के बाद भी हम लोगों के काम नहीं करवा सके तो इससे मैं घुटन महसूस कर रहा था, और लोगों का मेरे साथियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, काम का काम हो ही नहीं रहे थे, मेरे खुद के पर्सनल काम नहीं हुए तो लोगों के क्या काम होंगे, तो घुटन महसूस हो रही थी। मैंने घुटन को दूर करने के लिए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और अब मैं भाइयों का खुलकर भाइयों की सेवा करूंगा, सामाजिक काम करूंगा, और मैं किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आपको बता दें कि उमेश सिंह रेढ़ू साल 2019 में जींद विधानसभा उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी थे, उसके बाद वो जेजेपी में शामिल हो गए थे। जिला परिषद के पिछले कार्यकाल में वो वाइस चेयरमैन रहे और तत्कालीन चेयरपर्सन पद्मा सिंगला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने कुछ महीने चेयरमैन का दायित्व भी संभाला था। अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जींद से रोहतास भोला, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।